हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा वेटरनरी के अंदर जो बेस्ट मिनरल मिक्सर जो पाउडर आते हैं उसके बारे में, जो मेरी नज़रों में सबसे बेस्ट पाउडर है उनके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें आल वाला ऑप्शन भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट वेट एंड केटल, इसके अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसी मिलती रहेंगी। जो मैं वेटेनरी जो मिनरल मिक्सर पाउडर हैं उनके बारे में आज आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वेटेनरी के अंदर कौन सी कंपनियों के जो बेस्ट मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं वो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि ये पाउडर हैं जो वेटेनरी के अंदर बेस्ट मिनरल मिक्सर हैं, वो आप अपने पशुओं को इनमें से कोई सा भी एक पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये जितने भी पाउडर हैं मैं यूज़ में ले चुका हूँ, इसलिए आपको इनमें से कोई सा भी यदि पाउडर यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपको बेहतर से बेहतर ही रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको उनके बारे में यदि लाइव दिखाऊंगा तो वो आप देख सकते हैं। जितने भी ये पाउडर आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी बेस्ट से बेस्ट जो मिनरल मिक्सर पाउडर हैं वो पाउडर हैं। इनमें से कोई सा भी एक पाउडर आप अपने पशु को दे सकते हैं। पहले तो ये बताऊंगा कि जितने भी जो मिनरल मिक्सर पाउडर हैं ये आप अपने पशुओं को देना क्यों चाहिए। मैं आपको बहुत सी ऐसी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप मिनरल मिक्सर पाउडर दें, तो ये वही मिनरल मिक्सर पाउडर हैं जो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जो क्या है कि यदि आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर समय पर देंगे तो आपका पशु समय पर हीट में भी आएगा। यदि आपका पशु हीट में आने के बाद में कंसीव भी करेगा, यदि आपके पशुओं का दूध नहीं बढ़ रहा है तो आपके पशुओं का दूध भी बढ़ाएगा। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि मिनरल डिफिशियंसी है तो वो इनकी पूर्ति करेगा। कौन सी ये मिनरल मिक्सर जो पाउडर है ये आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशु में किसी भी प्रकार की मिनरल्स डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी में है जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, और कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये जितने भी ये प्रकार के एलिमेंट्स हैं ये आप अपने पशुओं को इनमें की पूर्ति हो जाएगी। ये जितने मैंने प्रकार ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स और विटामिन्स इन पाउडर के अंतर्गत पाउडर फॉर्म में पाई जाती है। और मैं जितने पाउडर हैं ये आप अपने पशुओं को जैसे चिलेटेड में, ग्लाइसिन चिलेटेड में, मिथो चिलेटेड में, ये अलग अलग कंपनियों के अलग 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 तरीके होते हैं। वो किस तरह से आपके पशु आप उनके जो पाउडर बने होते हैं वो किस विधि से बनाए जाते हैं। कोई कंपनी ग्लाइसिन सिलेटेड के तौर पर बनाती है, कोई मिथो सिलेटेड के तौर पर बनाती है, कोई चिलेटेड के तौर पर बनाती है। तो ये सभी के सभी पाउडर हैं, ये बेस्ट से बेस्ट पाउडर हैं। अब जो आपको ये पाउडर हैं आपको अच्छी तरह से अब मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी के जो ये पाउडर आते हैं वो आप अपने पशुओं को है। तो जैसे ये आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से पाउडर आपको दिख रहा है ये है पाउडर इंटास का मिनफा गोल्ड, ये मिनफा गोल्ड के नाम से आता है, ये इंटास कंपनी का पाउडर है। ये भी आप अपने पशु को मिनरल डिफिशियंसी में आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसकी डोज भी 50 ग्राम पर डे के हिसाब से है, यदि आप अपने पशु को लगातार देना चाहते हैं तो, और जैसे भेड़ बकरियों को देना चाहते हैं तो 20 से 25 ग्राम आप अपने पशु को दे सकते हैं। और यदि आप इसकी MRP भी यदि आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। यदि जो ये पाउडर हैं जो इंटास का मिनफा गोल्ड ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी प्रकार जो नेचुरल का आता है नेचुरामिन गोल्ड, ये पाउडर भी बहुत ही अच्छा पाउडर है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है जो नेचुरल का आता है। इसकी डोज भी वही है जो बड़े पशुओं के अंतर्गत 50 ग्राम, छोटे पशु हैं उनके आपको देना चाहिए वही 20 से 25 ग्राम आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसके अंतर्गत भी आपको वही चिलेटेड और विटामिन फोर्टिफाइड का समूह मिला हुआ होता है। और यदि कई ऐसे भी पूछते हैं कि सर इनमें जब भी यदि आप कई पाउडर वो दिखाते हैं तो इनके साथ आप इसकी जो क्या है कि MRP भी दिखाया करो, तो MRP के तौर पर यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जिस प्रकार से नेचुरल इसकी आती है MRP वो आपको दिख रही होगी। इसी प्रकार आता है कारगिल का विस्टामिन गोल्ड, ये भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जो विस्टामिन गोल्ड पाउडर आता है ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जो कारगिल कंपनी का आता है मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि ये आप अपने पशुओं को यूज़ में ले सकते हैं। ये भी MHA चिलेटेड होता है। और ये क्या है इसकी भी जो यदि MRP दिखाना चाहूँ तो वो भी आप देख सकते हैं कि इसकी MRP क्या है।
एमआरपी भी, कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें एमआरपी देखना बहुत ज़रूरी है और उन्हें दिखानी भी चाहिए। इसी प्रकार जो बायर कंपनी का आता है कौन सी बाव, ये भी बहुत ही अच्छा चिलेटेड पाउडर है, वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसके आप अपने पशुओं के एनिमल्स फीड सप्लीमेंट के साथ भी मिला करके आप अपने पशुओं को जो ये पाउडर आते हैं वो आप पाउडर दे सकते हैं। और इसकी यदि मैं एमआरपी दिखाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये क्या एमआरपी है इस पाउडर की, आपको दिख नहीं रही है ये है। तो ये कई से होते हैं जो एमआरपी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि किस पाउडर की क्या रेंज में आता है और वो हमें भी बताएं। ये भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, डोज वही है सभी सभी पाउडर की, सेम डोज है जितने मैंने ये बताए हैं इनकी डोज क्या है। इसी प्रकार जाइडस कंपनी का आता है चिलेटेड सीआरएस पाउडर, ये मैंने कई पशुओं में बताया भी है कि यदि आपका पशु समय पर हीट में नहीं आता है या आपका पशु कंसीव नहीं कर पाता है, आपका पशु लंबे समय से आपके पशु में यदि ये दिक्कत है तो आप जो ये सीआरएस पाउडर है वो आप यूज़ में ले सकते हैं और साथ ही साथ इसकी क्या एमआरपी है वो भी आप देख सकते हैं। और इनकी भी डोज वही है 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। इसी प्रकार मैनकाइंड का आता है टोटाविट स्ट्रोंग, इसके बारे में मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि टोटाविट स्ट्रोंग का क्या काम है और इसका क्या रिजल्ट है, ये भी पाउडर आप यूज़ में ले सकते हैं। और इसका भी वही डोज है जिस पाउडर की, जितनी मैंने आपको पहले उन सभी पाउडर की डोज बताई है। यदि टोटावेट देना चाहें तो वो टोटावेट भी आप दे सकते हैं, ये मैनकाइंड कंपनी का आता है। और यदि इसकी एमआरपी यदि आप देखना चाहते हैं, कई ऐसे बंदे होते हैं उनको दिखाना ज़रूरी है कि इसकी एमआरपी क्या आती है, वो भी हमें दिखाएं। जो आपको दिख रही है वो भी मैंने आपको दिखाई है। इसी प्रकार जो हिमालय का आता है हिम चिलेटेड, जो आपको दिख रहा है हिम चिलेटेड, ये पाउडर भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन जो हिमालय का हिम चिलेटेड जो पाउडर आता है इसकी जो डोज होती है वो अदर पाउडरों से कम होती है। यदि आप अपने बड़े पशुओं को यदि हिम सिलेटेड देना चाहते हैं तो इसकी डोज होती है 20 से 30 ग्राम। यदि भेड़ बकरियों को यदि आप अपने देना चाहते हैं तो इसकी डोज होती है 15 से 20 ग्राम, ये जो हिमालय कंपनी का आता है। और किस कम कितनी रेट इसकी है, ये सभी के सभी जो पाउडर हैं वो 1 kg, 1.2 kg और 1.1 kg में उपलब्ध हैं। और इनकी डोज ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार जो कैरस कंपनी का आता है ग्लाइसिन चिलेटेड बोविमिन, भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला पाउडर है, इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और एमआरपी यदि आप इसकी देखना चाहते हैं तो भी आप इसकी देख सकते हैं। और जो ग्लाइसिन चिलेटेड से मिनरल्स पाउडर आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो कैरस कंपनी है वो ही बनाती है, और इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपका पशु समय पर कंसीव नहीं कर रहा है, आपका पशु यदि हीट में आने के बाद में भी आपका पशु बार बार हीट आ रहा है, यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा मिनरल डेफिशिएंसी हो गई है, यदि आपके पशु का दूध कम हो गया है, यदि आपका पशु यदि कुछ खा भी नहीं रहा है, यदि सपोज करो कि ये सुगंधित जो पाउडर हैं वो है इनमें बिल्कुल भी सुगंध नहीं आती है, आप अपने पशुओं को दे सकते हैं जो कैरस कंपनी का। इसी प्रकार जो विरबे कंपनी का पाउडर आते हैं जो चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट, इसके बारे में मेरे चैनल वीडियो भी बनाए हुए हैं कि जो चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट है ये पाउडर, एक आता है चिलेटेड एग्रीमिन, एक आता है सुपर, एक आता है नॉर्मल चिलेटेड। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि मेजर डिफिशेंसी है तो आप जो चिलेटेड एग्रीमिन सुपर है वो यूज़ में ले सकते हैं, नॉर्मल है तो चिलेटेड एग्रीमिन, और यदि नॉर्मल से नॉर्मल है यदि आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर देना चाहते हैं तो वो एग्रीमिन फोर्ट आप अपने पशु को दे सकते हैं। और इनकी एमआरपी भी आपको दिखा दी जाएगी कि ये किस रेंज में आपके पशुओं में उपलब्ध होते हैं। ये जितने भी जो पाउडर हैं ये मैंने आपको बताए हैं, ये सभी के सभी पाउडर आप अपने पशुओं को जैसे 1 kg, 5 kg, 6 kg इनमें उपलब्ध होते हैं और आप यूज़ में ले सकते हैं। अब जो ये पाउडर हैं, जितने भी मैंने आपको ये पाउडर बताए हैं, ये सभी के सभी पाउडर आप अपने पशुओं पर आजमा सकते हैं, और सभी के सभी पाउडर हैं वो बेहतर से बेहतर पाउडर हैं, यूज़ में लें, आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। ये जो जितने भी आपको ये पाउडर मैंने बताए हैं ये सभी के सभी पाउडर आप अपने पशु, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो भी आप अपने पशु पर ले सकते हैं, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाए तो भी आप अपने पशु को जो ये मिनरल मिक्सर पाउडर है ये आप यूज़ में ले सकते हैं। और जितने भी ये मिनरल मिक्सर पाउडर हैं वो मेरी दृष्टि से सबसे बेटर पाउडर हैं, क्योंकि मैंने सभी के सभी ये पाउडर है अलग अलग पशुओं पर मैंने यूज़ में लिए हैं, और सभी का जितने भी पाउडर हैं इनका बेटर से बेटर मैंने रिजल्ट पाया है।
यदि आप अपने पशुओं को निसंकोच होकर के इनमें से यदि आपको किसी भी एरिया में यदि ये पाउडर आपको ये मिले तो आपको बेस्ट जो मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं वेटरनरी के अंदर ये बेस्ट हैं, आप यूज में ले सकते हैं। कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र होकर आप अपने पशुओं पर ये पाउडर आजमाएं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इन पाउडरों का सभी के सभी जो पाउडर है मैं इनका रिजल्ट देख चुका हूं। इसी प्रकार आपके लिए बेस्ट जो कैल्शियम पाउडर आते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, बेस्ट जो फैट बढ़ाने के लिए जो पाउडर आते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कि कौन सी ऐसी कंपनी के जो बढ़िया से बढ़िया जो पाउडर है जो आपके पशुओं की फैट बढ़ा सकते हैं, जो आपके पशुओं का जो कैल्शियम की डिफिशेंसी को बहुत ज़्यादा दूर कर सकते हैं। इसके बारे में जितने भी जो पाउडर आते हैं बेटर पाउडर उनके बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेस्ट मिनरल मिक्सर पाउडर के रूप में है। मिनरल मिक्सर का मतलब होता है कि खनिज लवण, यानी आप खनिज मिश्रित युक्त जो पाउडर होते हैं वो मिनरल मिक्सर पाउडर होते हैं, जो आप आज देख भी चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे पाउडर आते हैं जो मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर ये मिनरल मिक्सर पाउडर क्या होता है, इसके लिए मैंने आपकी जो जितनी भी मन की जो भावनाएं हैं, आपके मन में जितना भी कन्फ्यूज़ है वो सभी का सभी आज मैंने आपको दूर कर दिया है ये लाइव पाउडर आपको दिखा करके। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो यदि आपको चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में करें, और यदि आप मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें और मेरी वीडियो को इस वीडियो को आप जितना हो सके वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पशुपालकों के साथ और जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें और मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता हूं। यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो यार मेरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।